अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक बहुत ही आला दर्जे के यूट्यूबर हैं शफीक जाफरी साहब। बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो। लेकिन कभी कभी ना वो ऐसी चीज़ें बता जाते हैं जिसमें आम बंदे को पता नहीं चलता, लेकिन उसकी जो रियलिटी होती है उसमें उनका अपना लालच छुपा हुआ होता है। एक अच्छा यूट्यूबर जिसको लोग देखें और उसकी बातों पे अमल करें और उसके एक वीडियो बनाने पे हज़ारों लाखों जनाब बनते उस वीडियो को देखें, उसको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का गुजारा करना चाहिए। चंद दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उस वो थी एक नई ऐप आ गई है जनाब जो आपका डाटा आपसे परचेज करती है, ये वाली वीडियो थी उनकी। तो उसमें वो बता रहे हैं कि एक एप्लीकेशन है, उस पर आपने साइन अप कर देना है और उसके बाद उसको रन कर देना है। आपने जितना पैकेज लिया होगा, फर्ज करें 10 GB का पैकेज है आपका और आपने महीने का 7 GB यूज़ कर लिया, 3 GB बच गया, तो वो एप्लीकेशन आपसे वो डाटा परचेज कर लेगी और उसके बदले में आपको पेमेंट दे देगी। तो मैं यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वो डाटा हमसे कैसे परचेज करेगी। मेरे पास फर्ज करें 3 GB डाटा बच गया है, मैंने किसी को वो देना है तो मैं कैसे दूंगा? कोई बंदा मुझसे कहेगा यार अपना वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करें, वाईफाई के जरिए से दूंगा ना, या फिर मैं अपना एक नेटवर्क बनाऊंगा वो जो ऊपर एंटीना लगाते हैं, और एंटीना लगा के सिग्नल छोड़ूंगा, फिर आगे कोई बंदा वाईफाई से कैच करेगा, फिर वो मेरा डाटा इस्तेमाल कर सकेगा। ये तो कोई तरीकाकार नहीं कि आप एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करें और वो जनाब आपसे आपका डाटा खरीदना शुरू कर दे। ऐसे तो नहीं हो सकता। डाटा कौन सा हमें शॉपर में मिलता है कि वो जनाब 3 किलो डाटा लिया था, 1.5 किलो इस्तेमाल कर लिया, बाकी हमने शॉपर में डाल कर उनको दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। डाटा हमारा जो वो नेटवर्क वालों के पास है, उन्होंने हमें उतना डाटा इस्तेमाल करने की परमिशन दी है जितनी हमने उनको पेमेंट की है। तो जितना हमने इस्तेमाल कर लिया कर लिया, बाकी हमारा वेस्ट हो जाएगा, या हम वाईफाई के जरिए शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो इस तरह की एप्लीकेशन होती हैं, इनका मकसद होता है आपका पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, आपके मोबाइल में जो डाटा, आपका सीक्रेट डाटा पड़ा है, आपकी तस्वीरें पड़ी हैं, आपकी वीडियोज़ पड़ी हैं, वो चोरी करते हैं ये लोग। आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उसको आपने अलाउ कर दिया, अलाउ करने के बाद आपने उसको रन कर दिया, रन करने के बाद वो एप्लीकेशन आपका डाटा खरीद नहीं रही, वो आपका डाटा चोरी कर रही है आपके मोबाइल से। यानी आपकी जो वीडियोज़ हैं, आपके जो इमेजेस हैं, वो अपलोड हो रहे हैं उनके सर्वर पे, आपकी लोकेशन जा रही है उनको, आपकी तस्वीरें जा रही हैं उनको, आपकी वीडियोज़ जा रही हैं उनको, आपके कॉन्टैक्ट्स जा रहे हैं उनको। तो वो कहते हैं ना कि जब भी आपको कोई चीज़ फ्री मिले, कोई भी चीज़ आपको फ्री मिले, तो दोबारा सोचिए, क्योंकि वहाँ पर बिकने वाली चीज़ आप खुद होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से दूर रहें प्लीज़। तो ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और वो आपसे आपका डाटा खरीद लेगी। अगर आपसे किसी ने डाटा खरीदना है तो वो वाईफाई और हॉटस्पॉट के जरिए खरीद सकता है, कोई एप्लीकेशन जो आपका डाटा इस्तेमाल करे, बल्कि आपको तो जो भी एप्लीकेशन अगर ट्रस्टेड भी है, उसका भी बैकग्राउंड डाटा आपने ऑफ रखना है, ताकि जब आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिस तरह काइन मास्टर हो गया या थंबनेल बनाने वाले और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बेशुमार एप्लीकेशन हैं, वो आप जब इंस्टॉल करें, उनका बैकग्राउंड डाटा आप ऑफ करें, कि जब आप उनको इस्तेमाल करें इंटरनेट की ज़रूरत हो, उसी वक्त वो एप्लीकेशन आपका डाटा इस्तेमाल कर सके, अदरवाइज आपका डाटा इस्तेमाल ना हो। लेकिन वहाँ पे तो वो सब बता रहे हैं कि जी आपने उसको रन करके छोड़ देना है, आपका जितना भी डाटा होगा वो आपसे परचेज कर लेंगे। तो जी ऐसे नहीं होता, वो आपकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन हैं वो आपसे वो चोरी करती हैं वो एप्लीकेशन, और उसके बदले में आपको दिखा देते हैं कितने डॉलर आपको मिल गए, इतने हो गए, ये वो। और आप अगर उनको रेफरेंस देंगे तो उनके बदले आपको ज़रूर वो कुछ ना कुछ दे देंगे, लेकिन वो आपका डाटा, वो जैसे कह रहे थे कि मेरे अभी तक डॉलर पूरे नहीं हुए, उसी वीडियो में बता रहे थे मैं आपको विड्रा लेके दिखाऊंगा, अभी तक तो उन्होंने विड्रा लेके दिखाया नहीं है। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं जो लोगों को नुकसान करती हैं और उनके लिए बड़ी सेंसिटिव होती हैं, उस तरह की वीडियोज़ लोगों तक ना पहुँचाया करें। इस तरह की एप्लीकेशन पर आपने भरोसा नहीं करना, और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन मिले जहाँ पर आपको बताया जाए कि ये चीज़ फ्री मिल रही है, तो आपने 100 बार सोचना है वहाँ पर। तो अपना ख्याल रखिएगा, और एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते वक्त और ख़ासकर अपना डाटा इस्तेमाल करते वक्त नहायत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह।